संजय हमारे यहाँ महाभारत में पता है कौन सा पात्र है जो तीसरे नेत्र से पूरा युद्ध के मैदान में दिखाता है अंधे को, और ये तो खुद ही अंधे बन रहा है संजय बाबू। मैं संजय अरोड़ा से कहना चाहता हूँ कि बेटा तेरी जलोदा कला पुलिस को मैं बहुत बरसों से ट्रेनिंग देता रहा हूँ, उनको शहीद का विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाता हूँ। मैं दावा करता हूँ एक ऐसे अच्छो ब्रजभूषण पर इन बच्चों को बैठा के दो घंटे में फैसला कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। अगर अगर ये बच्चियां गलत है तो 182 की कार्रवाई इन पर भी हो सकती है, अगर वो सही है तो फिर ब्रजभूषण का स्टीपल हो रेसलिंग से उसको अरेस्ट करो, कानून से बड़ा है क्या वो? ये कानून से बड़ा कुछ है कि धरती पर हर बच्चे को अधिकार मिलता है और पॉस्को एक्ट तो ऐसा कहता है कि सारी चीजें बाद में होंगी, पहले अरेस्ट करो आरोपी को, इन्वेस्टिगेशन बाद में होता रहेगा। ऐसा हुआ क्या? तो ब्रजभूषण के लिए भारतीय संविधान अलग से लिखा गया है। आप बताइए अगर देश में संविधान है तो देश में न्यायपालिका है तो न्यायपालिका क्या कर रही है? 7 FIR होना चाहिए थी, उसमें 2 FIR कर रही है तो न्यायपालिका क्या कर रही है? न्यायपालिका मिली हुई है। आप लोगों से मैं कहता हूँ एक पुस्तक पढ़ो, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता चलेगा एक सैनिक की शक्ति क्या होती है। मैं इन सैनिकों को ट्रेनिंग देता हूँ, हजारों लोग खड़े होते हैं एक भर्ती में आता आदमी सब खामोश हो जाते हैं, उस आदमी की ताकत है। देश से अलग करना चाहते हैं कर्नाटक को लोग, काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो जो देश को अलग करना चाहते हैं? उनके लिए आप बनाओ ना कानून, आप तो सदन में बहुमत में हो, कानून बनाओ, बंद करो ऐसे लोगों को, और अगर ये बच्चे गए तो इनको बंद कराओ। क्यों नौटंकी कर रखी है आपने? सारे देश को तमाशा बना दिया आपने। ये जंतर मंतर बचाते क्रांति का स्थान है, यहाँ पे आके लोग अपना दुख दर्द सुनाते थे, पास में सदन था, ये आवाज पहुंच जाती थी, वो बदलाव करते थे, समाज को शांति की ओर ले जाते थे। प्रधानमंत्री ने बनाया एमपी, उस प्रदेश की जनता वहां के संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बनाया, प्रधानमंत्री ने बनाया, तो किसने बनाया उसको? लोग क्या है? लोग तो यहाँ पे भीड़ है, उनके पास विवेक नहीं होता है। हमेशा याद रखिए विवेक और ज्ञान में फर्क समझो। आपको केला दिया मैंने, आपने फल खाया, छिलका रोड पे फेंका, किसी का पैर टूटा, ज्ञान तो था विवेक नहीं था। विवेक कहता फल खाओ, छिलका गाय माता को दो, उसकी सुधा तृप्त होगी, बदले में आपको दूध देगी और उसका जीवन भी बदलेगा, किसी का पैर भी नहीं टूटेगा। ये ज्ञान और विवेक का माध्यम है। हम साधु बने हैं समाज को जगाने के लिए, ये हमारा धर्म है। मैं काफी दिनों से देख रहा था, जब ये पहली बार आए थे तो उसी दिन मैं यही खड़ा हुआ जिस दिन ये बैठे थे, और मुझे लगा था कि ये फैब्रिकेटेड है, ये डाइवर्ट किया जा रहा चीजों को, लेकिन अब मुझे लगता है कि सत्य के प्रतीक है। उन बच्चों को मैं आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं चाहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ चंद्रचूड़ जी को, अगर आप वाकई न्याय की संविधान की शपथ लेकर उस पद में पहुंचे हैं तो जितनी बच्चियों ने FIR कराई है सबकी अलग अलग क्लब मत करो, और इस पुलिस को रिपोर्ट करो, दिल्ली पुलिस को निर्देश करो कि जितनी FIR आई है सबकी अलग अलग रिपोर्ट करो, और नीचे 45 दिन के अंदर हमारे पास चालान पेश करो, टाइम बदला जा सकता है। क्या नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल कराइए, इम्पॉसिबल। जनता जाग जाए तो 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री का घर घेरा जा सकता है। वो कहाँ रहता है आजकल? भड़काव बयान तो यहाँ पे देगा, इस वस्त्र को पहन के इसी मंच पे लोग तलवारें लहराते थे, गोली मारे उस सालों को मंत्री कहते थे, उनका क्या हुआ? जिन लोगों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है उस पर क्या FIR हुई? इसी दिल्ली के अंदर दंगे हुए, गुजरात में दंगे हुए, क्या हुआ? बोला है किसानों किसानों के बच्चों को केंद्रीय गृह मंत्री के लड़के ने मार डाला, क्या हुआ? इस्तीफा हुआ? आप लोगों ने पूछा? आप लोगों ने पूछा उससे कि इस्तीफा दीजिए मिस्टर, क्या नाम था उसका? देनी, देनी, उससे पूछा? हाँ जी, सॉरी, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मिलने का एक ही तरीका है, अपने वोट की शक्ति को पहचानो। सारी शक्ति आपके हाथ से फिसल रही है, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करो। किसान आंदोलन में मैंने देवन से कहा था तुम लोग हाथ जाओगे लिख लो, तुम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस हरा तुम्हारे कीड़े के पास पहुंचोगे ये तुम्हें हरा देगा, लिख लो। और इनसे भी यही कह रहा हूँ लिख लीजिए आप, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के भरोसे रहेंगे ये लोग तो लिख लीजिए आप, ये गंदी माली इनको भी सड़ांग में फैलाएंगे। आंदोलन से तो देश खड़ा हुआ है, आंदोलन से तो आप पार्टी बनी तो जितना, और ये बीजेपी जनसंख्या में हम लोग 12 सच में थे, मैंने कांग्रेस के अनगिनत झूठे मुकदमे थे, अनगिनत प्रदर्शन करते हुए शक्ति के पटी गए। हमने साधु का बहाना पहना है और साधु का धर्म समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैं समाज की चेतना को जागृत करने आया हूँ,
ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, जिंदाबाद हैदराबाद का जमाना गया, भूल जाइए। अब आपकी सारी शक्ति आपके वोट में है, जो भी पार्टी आती है उसका सिंबल या लगाओ, हम आपके आदमी है। जैसे पैसा लो, दुर्गा लो, दारू लो, साड़ी लो, पाइप लो, सब ले लो, लेकिन कभी हम मशीन पे जाओ तो अपनी आत्मा को जगाओ कि मेरे क्षेत्र का मैं एमएलए चुन रहा हूँ, मेरे क्षेत्र का मैं एमपी चुन रहा हूँ, ये एमएलए मेरा मुख्यमंत्री बनाएगा, प्रदेश का विकास करेगा, ये एमपी प्रधानमंत्री के लिए मेरा वोट देगा, ऐसे व्यक्ति पर चुनो। रेवड़ी देना तो ये आपको समझ में नहीं आ रही था, इन्होंने गौतम अडानी को इतना धनवान क्यों बनाया? गौतम अडानी मेरे क्षेत्र से आता है, एक तंबू लगाने वाला आदमी इस देश का 70 मिलियन पैसे वाला कैसे बन गया? उसने जीएसटी और कस्टम के जरिए आपके हमारे पैसे पे डाका डाला, और ये डकैत है नरेंद्र मोदी, ये कोई सेवक नहीं है, आपको भ्रम है, डकैत है ये, डकैत। मैं आपको कह रहा हूँ, हजारों किसानों की जमीन बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़िए, गौतम के जांच करवाओ, मैं सारे प्रमाण देता हूँ, मेरी खुद की जमीन है 10 बीघा वहाँ पे, तो गौतम मेरे पीछे पड़ा हुआ जमीन मुझे दे दो, गौतम इस जन्म में तेरे नाम निशर होगी, फिर वही बात है, तो साधु सन्यासी आश्रम नहीं बनाएंगे क्या? समाज को जागृत कहाँ से करेंगे अगर आश्रम नहीं बनाएंगे? मेरा आश्रम कोटा में था, जहाँ से होम गिरना था वहाँ पे मेरा आश्रम था, इन गुंडों ने खदरवा दिया मेरा खाते का आश्रम, इन्होंने जमींदोज कर दिया, वहाँ गुजरात के अंदर मेरे को ये वो नहीं दे रहे हैं, क्या बोलते हैं जमीन का क्या किया जाता है जब भूमि का लैंड यूज बदला जाता है? नाम पर एग्रीकल्चर बिल को नहीं दे रहे, मेरी जेवर में मैंने जमीन खरीदी धान केंद्र के लिए, वहां इन्हें नहीं करने दे रहे, ये सब साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ अनगिनत मुकदमे डाले और ये मेरी पार्टी के लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। मैं पुलिस के पास आया था, मैंने कहा चलो भाई मुझे कहां बंद करना है, अपराध में अध्यात्म नहीं और मेरा तिहाड़ जेल में प्रोग्राम चलता है, जेल में डालो ना, मुझे जमानत कराना है और ना मुझे किसी मजिस्ट्रेट के सामने हाथ जोड़ना है। मुझसे कहूंगा भैया तेरे कानून में जितनी ज्यादा से ज्यादा सजा है, मौत है, लगाओ फांसी तैयार, और सजा देना जेल में भेजो, जेल का एक प्रोग्राम चलाने दो, अपराध से अध्यात्म किया, दुनिया में कोई पूरा या बुरा, अच्छा या बुरा व्यक्ति कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अपील करना चाहेंगे, मेरी देश की जनता से अपील है कि अगर आप चाहते हैं ऐसे गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार ना करें, ये शोषण कोई आज का नहीं है, ये राजे महाराजे युगों युगों से शोषण करते आए हैं, और ये राजा महाराजों के, हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र के शरीर में इस समय हिंसक पशु, पहले तो इसके शरीर में नाग, मैं इसको नाग कंपनी नाम दे चुका हूँ, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, तीन तरह के नाग है, लेकिन अब इसके शरीर में हिंसक पशु प्रवेश कर गया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ अभी ये रावण बनेगा, लिख लीजिए आप, कब राम आएगा? अभी नहीं आएगा राम, अब ये रावण बने, अभी हिंसक पशु बन चुके हैं, मारकाट मचा रहा है, किसी का सर फाड़ रहा है, किसी को अंदर कर रहा है, तो पुलिस बिचारी क्या करेगी? तो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय संविधान, ये सब होना चाहिए ना, सबको मिलाओ ना, खाली किसान और जवान मिलने से क्या होगा, और खाली खाद पंचायतों के समर्थन से क्या हो जाएगा? आप सोचिए, खिलाड़ियों को सबका समर्थन चाहिए, और नैतिक समर्थन की बात है, नागरिक दायित्वों का प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप लोग एक नए भारत के निर्माण में जिम्मेदार भूमिका निभाएंगे। देश से अलग करना चाहते हैं कर्नाटक को लोग, काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो जो देश को अलग करना चाहते हैं? उनके लिए आप बनाओ ना कानून, आप तो सदन में बहुमत में कानून बनाओ, बंद करो ऐसे लोगों को, और अगर ये बच्चे गए तो इनको बंद करो, क्या नौटंकी कर रखी है आपने, सारे देश को तमाशा बना दिया आपने, ये जंतर मंतर वैचारिक क्रांति का स्थान है, यहाँ पे आके लोग अपना दुख दर्द सुनाते थे, पास में सदन था, ये आवाज पहुंच जाती थी, वो बदलाव करते थे, समाज को शांति की ओर ले जाते थे। प्रधानमंत्री ने बनाया एमपी, प्रदेश की जनता वहां के संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बनाया, प्रधानमंत्री ने बनाया, किसने बनाया उसको? लोग क्या है, लोग तो यहाँ पे भीड़ है, उनके पास विवेक नहीं होता है, हमेशा याद रखिए विवेक और ज्ञान में फर्क समझो, आपको केला दिया मैंने, आपने फल खाया, छिलका रोड पे फेंका, किसी का पैर टूटा, ज्ञान तो था विवेक नहीं था, विवेक कहता फल खाओ, छिलका गाय माता को दो, उसकी सुधा तृप्त होगी, बदले में आपको दूध देगी और उसका जीवन भी बदलेगा, किसी का पैर भी नहीं टूटेगा, ये ज्ञान और विवेक का माध्यम है। हम साधु बने हैं समाज को जगाने के लिए, ये हमारा धर्म है। मैं काफी दिनों से देख रहा था, जब ये पहली बार आए थे तो उसी दिन मैं यही खड़ा हुआ जिस दिन ये बैठे थे, और मुझे लगा था कि ये फैब्रिकेटेड है, ये डाइवर्ट किया जा रहा चीजों को, लेकिन अब मुझे लगता है कि सत्य के प्रतीक है। इन बच्चों को मैं आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं चाहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ चंद्रचूड़ जी को, अगर आप वाकई
न्याय की संविधान की शपथ लेकर उस पद में पहुंचे हैं। तो जितनी बच्चियों ने FIR कराई है सबकी अलग अलग ये क्लब मत करो और इस पुलिस को रिपोर्ट करो, दिल्ली पुलिस को निर्देश करो कि जितनी FIR आई है सबकी अलग अलग रिपोर्ट करो और